हेलो दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी क्या हुआ है कि जो इजराइल देश है उन्होंने एक बड़ा एयर स्ट्राइक लॉन्च किया और वो लॉन्च कर दिया इस सीरिया देश पर। और उसमें क्या हुआ कि इनका जो कैपिटल है यहाँ पर एक एयरपोर्ट था दमास्कुस, जो कि एयरपोर्ट था यहाँ पर, वो डैमेज हो गया और उसकी वजह से बहुत सारे कनेक्टिविटी में लॉस हुआ है। और ध्यान रहे ये एक कैपिटल है जो कि है सीरिया का। सो हम आज देखेंगे इसराइल को मैप पे ये किन किन देशों को टच करता है और ये किस सी को एक्सेस होता है। तो यहाँ पर है इसराइल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसके कुछ बॉर्डरिंग कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं इससे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली जॉर्डन दिख रहा होगा इस इधर, और इस साइड आपको दिख रहा होगा ये है एक्चुअली द सिनाई पेनिनसुला। इसको कैप्चर कर लिया था इसराइल ने, लेकिन बाद में इसको वापिस कर दिया इजिप्ट को। सो इसराइल जो दूसरा इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो है इजिप्ट। यदि आप इधर से देखेंगे, यहाँ से जिस पर अभी अटैक लॉन्च हुआ है वो है तीसरा है सीरिया। इधर सीरिया से भी ये बॉर्डर टच करता है। और यदि इधर देखेंगे तो आप है लेबनन, लेबनन से भी ये बॉर्डर टच करता है। इसके अलावा यदि हम कुछ खास बातों की बात करें इसराइल की, तो ये वाला जो इलाका है ये गोलन हाइट का इलाका है जो पहले सीरिया का हुआ करता था, लेकिन इसको कैप्चर कर लिया बाद में इसराइल ने और अभी ये इसराइल के कंट्रोल में है। और गोलन हाइट एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सीरिया और इसराइल के बीच में। और यदि इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है इसका यरूशलम है। ये इसको जेरूशलम नहीं बोलते, इसको यरूशलम बोलते हैं। तो इसराइल का कैपिटल यरूशलम है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसराइल ये वाला जो इलाका है, ये इलाका जो है वेस्ट बैंक का इलाका है जो कि फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है, क्योंकि ये भी एक लगभग लगभग डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसको भी इसराइल के द्वारा कैप्चर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और ये वेस्ट बैंक जॉर्डन और इसराइल के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यदि आप यहाँ पर बोलेंगे तो ये वाला जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं गाजा पट्टी या तो गाजा स्ट्रिप। इस पर भी अभी इसराइल का कब्जा है यदि आपको ध्यान हो तो। और ये वाला जो पूरा इलाका है इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, और इसराइल जो ओपन है वो है मेडिटेरियन सी को। तो ये थे कुछ खास जानकारी इसराइल के बारे में। ध्यान रखें कि इसराइल भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब इसराइल 1952 या 1949 में जब ये देश बना था, तब इसको सबसे पहले जो रिकग्नाइज किया था वो हमारा देश भारत था। इस वजह से भारत और इसराइल के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं। उसके अलावा यदि हम सीरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि सीरिया भी ओपन है मेडिटेरियन सी को। ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इलाका मेडिटेरियन सी का है जो कि सीरिया को ओपन करता है। और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्की दिख रहा होगा, इधर आपको दिख रहा होगा इराक, और इधर आपको दिख रहा होगा जॉर्डन। और जैसा कि मैंने आपको इधर बताया कि इसराइल भी सीरिया के साथ बॉर्डर टच करता है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इसराइल। और यहाँ पर यदि आपको दिख रहा होगा तो ये है लेबनन। लेबनन भी एक बॉर्डरिंग कंट्रीज है सीरिया का, और इसका कैपिटल जिस पर अभी इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया दमास्कुस, ये है यहाँ पर जो कि है सीरिया का कैपिटल। इसके अलावा यदि कुछ खास सिटीज की बात करें तो इडली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटीज है सीरिया का, ये बात भी आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये था इसराइल और सीरिया के बारे में कुछ जानकारी मैप में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैप के साथ।